वेलकम टू माय दिवाली व्लॉग। सो आज दिवाली है तो आप सभी को हैप्पी दिवाली टू ऑल माय लवली सब्सक्राइबर्स। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने नहा लिया है, तो अब मैं सबसे पहले रंगोली बनाऊंगी। तो मैंने कुछ ऐसा डिजाइन सोचा है, चाहे देखती हूँ कि ये रंगोली कितना बन पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं रंगोली बनाना। तो सबसे पहले रंगोली बनाने के लिए मैंने सारे कलर्स ले लिए जो मुझे ज़रूरत थे रंगोली बनाने के लिए। फिर उसके बाद मुझे और भी जितने भी सामान चाहिए था रंगोली बनाने के लिए, जैसे फिलर, स्टेंसिल्स, स्लेट पेंसिल और पेंसिल, वो सारे सामान मैंने ले लिए रंगोली को बनाने के लिए। फिर इसके बाद मैंने रंगोली बनाना स्टार्ट कर दिया। मुझे इस रंगोली को बनाने के लिए 2 आवर्स लगे। आई थिंक 2 आवर्स से कुछ ज़्यादा ही टाइम लगा कंप्लीट करने में। जो मेरा रंगोली है वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है आफ्टर 2 आवर्स। रंगोली बनाने के बाद मैंने और मम्मा ने दिवाली का डेकोरेशन किया। ये कुछ सामान थे जो कि गेट में लगाए जाते हैं, तो मैंने और मम्मा ने मिलकर सारे गेट में लगा दिया। ये जो सामान है ये मम्मा ने अहमदाबाद जब हम लोग गए थे तो वहीं अहमदाबाद के मॉल से ये सारा दिवाली का सामान परचेज किया था उन्होंने। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं रेडी हो चुकी हूँ दिवाली के लिए। दिवाली में मैंने सिंपल सी कुर्ती पहनी थी, मैंने सोचा पूजा के लिए कुर्ती ही पहन लिया जाए, तो मैंने कुर्ती पहन लिया। और ये जो कुर्ती है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल थी और अच्छी भी लग रही थी। और ये जो कुर्ती है वो मेरी मासी ने मुझे दिया था। तो मेरा ये लुक आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब मैं अपनी मम्मी और अपनी सिस्टर के साथ मंदिर जाऊंगी दिया जलाने के लिए, क्योंकि आज काली पूजा भी है। तो हम लोग काली पूजा में हम लोग मंदिर में दिया जलाते हैं। सो लेट्स गो। तो हम लोग पैदल ही मंदिर जा रहे हैं क्योंकि जो मंदिर जो है वो पास में ही है। मैंने घर में ऐसे बनाया है ब्लॉग, बर्थडे ब्लॉग, सरस्वती पूजा ब्लॉग, लेकिन इस टाइम मैंने चलते चलते ही फर्स्ट टाइम ब्लॉग बनाया था। मुझे बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी। आई कांट कंट्रोल माई स्माइल क्योंकि मम्मा बोल रही थी बंद करो ब्लॉगिंग, सब तुम्हें देख रहे हैं, बैक कैमरा से बनाओ। लेकिन मैं फ्रंट के कैमरा से बना रही थी। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग मंदिर जो है वो पहुंच चुके हैं। हर एक मंदिर में दिया जलाएगी।
सो अब हम लोग घर जा रहे हैं वापस। वापस आने के बाद मैंने हर एक जगह घर में दिया जला दिया। फिर इसके बाद मैं अब यहाँ रंगोली में दिया जला रही हूँ। कैसे लगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे। दिया जलाने के बाद मैंने कुछ पिक्स क्लिक करवाए दिया और रंगोली के साथ। तो ये रहे कुछ पिक्स जो मैंने क्लिक करवाए हैं दिवाली में। मैंने कुछ रील्स बनाए। अगर आपको मेरे रील्स देखने हैं तो आपको मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना पड़ेगा, तो वहीं मैं सारे अपने रील्स अपलोड करूंगी, क्योंकि यहाँ पे मैं नहीं डाल सकती कॉपीराइट इशू के कारण, इसलिए मैंने सॉन्ग को भी ऑफ कर दिया है। फिर इसके बाद हम लोगों ने पटाखे जलाए। मैंने उतना नहीं जलाया क्योंकि पटाखा जलाने से ज़्यादा अच्छा देखना ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में।
मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज एंड आई विल